सूरज सिर पे आ गया, पर इन लोगों को सो के उठने से फुर्सत ही नहीं है। शांति शांति भी अभी तक नहीं आई है, पूरे घर का काम पड़ा है, उस पर भी इन लोगों का असर हो गया है। अरे क्यों सुबह सुबह घर सर पे उठा रखा है, संडे है तो सो रहे हैं। हेलो, संडे है। अरे पहले तो तुम चीजें भूलते थे, अब दिन भी भूल गए। आज बुधवार है, बुध। अरे क्यों परेशान होती हो, ये लो शांति भी आ गई। मालिक मैं आ गई। मेम साहब आप चिंता ना को करो, क्योंकि सबको पता है कि शांति देर से ही सही मगर आएगी जरूर, क्योंकि मेरा नाम है शांति, करती हूँ मैं क्रांति। तो अब हाथ भी चला लो शांति जी। अरे क्यों परेशान करती हो बेचारे को, हैं? छोटी मालिक पैर ऊपर। मेरे तो कब से ऊपर है। छोटे मालिक और ऊपर। अरे ऊपर, अच्छे से ऊपर, ना ना अच्छे से ऊपर और ऊपर। मालिक मेरा नाम है शांति, करती हूँ मैं क्रांति। अरे आइए आइए खत्री साहब, आइए आइए। हेलो, सलाम अलैकुम, नमस्कार, वेलकम, वेरी गुड मॉर्निंग, वेरी वेल, आई डिजर्व। गांधी जी हमारे दोस्त हैं। लालू जी आप फालतू की बातें मत कीजिए। अब ठीक है आप? अरे हम क्या ठीक नहीं है, हम बिल्कुल ठीक हैं। अरे भाभी जी यहाँ बैठी हैं। कैसे हैं आप? अरे बढ़िया हैं। आइए बैठिए 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 बैठिए। अरे भाई खत्री साहब आए, चाय नाश्ता लेके आ जाओ। हैं तुम ही ले आओ, मुझे सांस नहीं आ रही। अच्छा कैसे हैं आप खत्री साहब? हम बिल्कुल ठीक हैं, आप कैसी हैं? हम भी ठीक हैं। कविता को नहीं लाए? हमारी कविता को खिड़की पे बैठे बैठे कविताएं लिखने से फुर्सत ही नहीं है। कुछ लिखा हुआ है आपके पास कविता जी का? बिल्कुल है, सुनाइए। बिल्कुल सुनाए दे, लिख के रख तुमने पास। अर्ज किया है इरशाद, इरशाद कि अर्ज किया है इश्क अधूरा रह जाए तो खुद पर नाज करना। वाह वाह। कि इश्क अधूरा रह जाए तो खुद पर नाज करना, सच्ची मोहब्बत अक्सर मुकम्मल नहीं होती। कविता कविता आप भी मुझसे इतनी मोहब्बत करते हैं क्या? कितना डीप शायरी लिखा है, नहीं मेरे तो आंसू निकल गए। माँ 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 माँ। क्या हुआ पुत्र, इतना खुश कैसे है? मैंने जहाँ इंटरव्यू दिया था वो क्लियर हो गया है। हा? और मेरा ऑफर लेटर भी आ गया है। अब मैं 5 साल के लिए कनाडा जाऊंगा जॉब करने। ओए मुबारक जी मुबारक, खतरी जा मिठाई लेके। शांति मिठाई लाओ भाई। पुत्र। हाँ जी माँ। कल कितने बजे की फ्लाइट है तेरी? सुबह 10 बजे की माँ। तेरे लिए ना तेरे फेवरेट लड्डू रख दिए मैंने, खा लेना, पता नहीं वहाँ का ऐसा खाना होगा। माँ आप चिंता मत किया करो, यहाँ से तो अच्छा ही है वहाँ पे। कितनी जल्दी टाइम बीत गया ना, इन्ना साता तू अभी तो लंगोटी में घूमता रहता था, और अब देख विदेश जा रहा है जॉब करने के लिए। बस तो अपना ध्यान रखियो। टाइम से सो जाना, सुबह जल्दी उठना ना।
लाइट बंद कर दूं? नहीं आप जाइए, मैं बंद कर दूंगा। बेटा अब तो तू जा रहा है, अब मेरे लिए ना वहां से एक घड़ी ले आई हो। वो क्या है ना, इसमें टाइम सही से दिखता नहीं है। बाबूजी दिक्कत आपकी घड़ी में नहीं है, आपकी आंखों में है। और मैंने आपके लिए चश्मा ऑर्डर कर दिया है। और घड़ी भी ले आऊंगा। और मेरे लिए क्या लाएगा? आपके लिए नए कपड़े लेके आऊंगा। बस वहां जाके कोई बहू मत ले आई हो, मैं तेरी शादी यहीं घर से करूंगी, ठीक है? छोटे मालिक मेरे लिए। बेटा इसके लिए ना एक वो झाड़ू ले आई हो। हाँ मेरे लिए ना झाड़ू लेते आना, फुली ऑटोमेटिक, अपने आप ही झाड़ू लग जाएगा। ठीक है मैं चलता। तेरी माँ नहीं रही। हाँ ये सच है, समय बदलता है, लोग बदलते हैं। हाँ ये भी सच है, रिश्तों को खोने के बाद सिर्फ पछतावा रह जाता है। हाँ ये सच है, पहले माँ बाप के बूढ़े होने पर उन्हें आश्रम छोड़ दिया जाता था, लेकिन समय बदला, लोग बदले, अब माँ बाप के बूढ़े होने से पहले ही बच्चे छोड़कर चले जाते हैं और उनका खुद का घर ही एक आश्रम बनकर रह जाता है। हाँ ये सच है, हाँ ये सच है। माँ
जवाब है, आप लोगों को छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगा मैं, मेरे को जॉब करने नहीं जाना मैं जॉब करने नहीं जाऊंगा मैं आप लोगों के साथ ही रहूंगा। अच्छा।